लेट्स टॉक इन जेल पार्ट 4, जहां हम जानेंगे जेल कैफे की फ्रेंचाइजी आप कैसे ओन कर सकते हैं। भैया, अगर इंडिया में किसी शहर में कोई अच्छा शहर हो, कोई बड़ा शहर हो, अगर वहां कोई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहा है तो उसे क्या हमारा आपको बता दूं, बेसिकली फोकस होता है फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटर। लगभग अगर देखा जाए तो सारी चीजें हमें खुद ही होती है, क्योंकि आप मुझसे फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनसे फ्रेंचाइजी ली जाए। मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज होता तो आप फिर मुझसे फ्रेंचाइजी लेते, अपना खुद का कुछ करते। आपके लिए इजी है कि यार इन लोगों ने इतना सब कुछ कर रखा है, अच्छा कर रखा है, नाम भी है, इतने साल से ऑपरेट कर रहा है, इतना बड़ा कस्टमर बेस कर रखा है, तो हमारे शहर में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे सीखने को मिलेगा, आपसे हमें सीखने को मिलेगा। तो हमारा मॉडल फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड है, जिसमें अलग अलग एरियाज की कॉस्टिंग अलग अलग आती है। जैसे अगर देखा जाए कि हम लोग बेसिक मॉडल पर बात करते हैं, जिसमें 500 से 700 स्क्वायर फुट का एरिया अगर हम लोग कवर करते हैं, आपके पास अवेलेबल है, उसकी कॉस्टिंग 15 से 20 लाख के आसपास चल रहा है। कंप्लीट कॉस्टिंग की फ्रेंचाइजी 20 भी आ जाती है, और इंटीरियर एक्सटीरियर के चेंज सॉफ्टवेयर, मतलब केवल कैफे ओपन होने तक जो भी चीज़ें लगती हैं सभी कुछ उसमें कवर अप हो जाता है। इसमें हम लोग ये मान के चल रही है 18 to 24 months का पीरियड होता है आर ओआई का, जनरली हमें लगता है कि 1 साल में उनको पता चल जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट साल जो अपना वो रहता है उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि शहर के सभी लोग आना चाहते हैं, सभी लोग रील बनाना चाहते हैं, फिर लोग शिफ्ट जाते हैं फूड फूड में शिफ्ट जाता है, फूड के बेसिस पे आता है, तो 1 साल में आर ओआई का इनका मिनिमम मैक्सिमम तो 24 मंथ लग ही जाता है। रॉयल्टी हमारी 5% पूरा कैफे हम ही लोग मैनेज करते हैं, ऑपरेशंस, इन्वेंट्री, प्रमोशंस, लोकेशन फाइनल करना, कहाँ हम लोगों को पता होता है कहाँ चला पाएंगे, हम लोगों को चलाना होता है, कहाँ चला पाएंगे कहाँ नहीं चला पाएंगे, लोकेशन भी हमारी टीम आपकी देखती है कि हाँ इस शहर में ओपन कर सकते हैं, इस लोकेशन में ओपन कर सकते हैं, ऐसी शॉप चाहिए, सारी चीज़ हम लोग जानते हैं। काफी सही चीजें कही भाई। क्वालिटी की अगर बात हो तो कौन नहीं आना पसंद करेगा, रही बात क्वालिटी की तो यार मैं खुद भी खा के देखा हूँ यार, मैं तो दीवाना हुई हूँ।